प्रयागराज, 11 दिसंबर 2022 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा मिले कदम जुड़े वतन के समर्थन में हजारों की संख्या में दिखाई दिया जनसैलाब। प्रयागराज कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा सरस्वती घाट मन कामेश्वर मंदिर से लगभग 100 किलोमीटर तक प्रयागराज के सभी क्षेत्र से होते हुए बड़े स्टेशन पर समाप्त हुई जनसैलाब, जिसमें मुख्य रूप से कार्यकर्ता प्रदीप कुमार मिश्रा, अंशुमन सहर अध्यक्ष इरशाद उल्लाह, आशा देवी, माधुरी राय, अंजुम नाज, अनेकों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रयागराज से अनिल कुमार की रिपोर्ट। उद्देश्य क्या है? इस प्रकार से पूरे देश को जोड़ने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले हैं और 2600 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा उन्होंने पूरी कर ली है। उसी को देखते हुए जो है पूरे जिन जिलों में राहुल जी की यात्रा नहीं जा रही है, जिन प्रदेशों में राहुल जी की यात्रा झोर में नहीं पहुंच पा रही है, वहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो है भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। उसी के तहत आज जो है प्रयागराज जोन जो है उसमें आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसका समापन जो है वो आपका 22 तारीख को बनारस में होगा। ये यात्रा कहाँ तक निकलेगी, कहाँ तक जाएगी सर? ये पूरे यहाँ पे 12 जिले में जो है वो यात्रा यहाँ से जाएगी। इलाहाबाद से यहाँ पे शुरू होने के बाद कौशाम्बी है, फिर आपका अमेठी है, सुल्तानपुर है, और उसके बाद फिर वहाँ से अपना सोनभद्र है, जौनपुर है, बनारस है, ये सारे ज़िलों को जो है, बीजापुर है, चंदौली है, इन ज़िलों में जो है यात्रा जो है निकलेगी। नहीं, मनकेश्वर मंदिर यहाँ से निकल रही आपकी यात्रा, ये समाप्ति कहाँ देंगे? बनारस। नहीं, आज ये प्रयागराज में सर कहाँ समाप्ति होगी? प्रयागराज में यहाँ से शुरू होने के बाद जो है वो स्थानीय, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा जो है वो शहर में गुजरेगी और उसके बाद फिर समापन। आपका शुभ नाम सर? राजेश तिवारी, सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस का। गया यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के तहत पे। देखिए, आज पूरे देश के अंदर माननीय राहुल गांधी जी सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और जिस तरीके से नफरत की बात पूरे देश के अंदर हो रही है, जिस तरीके से बंटवारे और खाई की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, और राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद, वो देश में निकल गए हैं, पूरे देश को जो है एक साथ एक धागे में और एक जो है माले में फिरौनों के लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ लेके चल रहे, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज उसी की कड़ी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से भी जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। आज जो इलाहाबाद से शुरू होकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिलों में जाएगी और आज हम लोग इस यात्रा में जितने भी लोग चल रहे हैं उन यात्रियों का और तमाम लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं और भारत में जो नफरत की बात हो रही है, जो तोड़ने की बात हो रही है, वहीं पे हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। आपका शुभ नाम? इरशाद उल्लाह। मैडम जी, किस बेस के लिए रखा गया है और कहां से कहां तक ये आपकी भारत जोड़ो रैली चलेगी? देखिए, हमारे नेता राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और करीब 2000 के पर वो चल चुके हैं, तो एक संदेश कांग्रेस की तरफ से देना है कि जो हम लोगों में ये इन्होंने नफरत फैला रखी है जात पात धर्म को लेकर के, वो हम लोगों को हटाना है और प्रेम से हम लोगों को जैसे हम लोग पहले थे वैसे हम लोग को जुड़े रहना है। इसी उद्देश्य को लेकर आज भी यहाँ पर माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में हम सब प्रयाग के लोग और आसपास के जो भी लोग हैं कांग्रेस जनाए हैं और यहाँ से मनकामेश्वर मंदिर से यात्रा शुरू होकर के ये चौक स्टेशन बड़े स्टेशन पर बन जाएगी। यही उद्देश्य के साथ कि हम प्रेम प्रेम से रहें, हम नफरत से नहीं भारत को।
अध्यक्ष हूँ।